डियर स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करूंगा फार्माकोकाइनेटिक्स का पार्ट टू, जिसमें हम बात करेंगे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की डिफिनेशन के बाद हम इसमें बात करेंगे TBW, टोटल बॉडी वाटर के बारे में डिस्कस करूंगा। इसके बाद मैं अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के बारे में बात करेंगे। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की डिफिनेशन की तो आप बोलेंगे एज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड एज रिवर्सेबल ट्रांसफर ऑफ ड्रग्स बिटवीन बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट। जो आपकी ड्रग है, जो आपने ड्रग इनटेक की है, वो ड्रग रिवर्सेबल ट्रांसफ़र हो रही है एक कंपार्टमेंट से दूसरी कंपार्टमेंट में। जैसा कि हम जानते हैं, आफ्टर एब्जॉर्प्शन ड्रग इंटर्स इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन। आप आफ्टर एब्जॉर्प्शन जो आपने ड्रग इनटेक की है, उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा, वो ड्रग आपकी सिस्टमिक सर्कुलेशन में आएगी, उसके बाद वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होगी बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स में। जैसा कि हम जानते हैं कि वेरियस कंपार्टमेंट्स जो हमारी बॉडी में हैं, कोई पर्सन जिसका वेट 70 kg है तो उसमें 42 लीटर्स जो होगा TBW होगा, टोटल बॉडी वाटर जो है वो 42 लीटर्स है। एंड 42 लीटर्स को आप डिवाइड करेंगे इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होगा वो 28 लीटर्स होगा, जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो आपका होगा वो 14 लीटर होगा। 14 लीटर को या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को फर्दर सब डिवाइड करते हैं आप प्लाज्मा में, जो कि 3 लीटर है। उसके बाद इंट्रास्टिशियल फ्लूइड है जो कि आपका 10.5 लीटर है। एंड लास्ट में आप बोलते हैं ट्रांस सेलुलर फ्लूइड है जो कि 0.5 लीटर है। इसमें सबसे पहले हम अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं AVD की, अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की, तो आप कहेंगे कि इज़ डिफाइंड एज हाइपोथेटिकल वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड। ये हाइपोथेटिकल वॉल्यूम है किसका, बॉडी फ्लूइड का, इनटू विच आ ड्रग इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसमें आपकी ड्रग जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी एट अ कंसंट्रेशन इक्वल टू प्लाज्मा। और उस कंपार्टमेंट में जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हुई है उसका कंसंट्रेशन इक्वल होगा प्लाज्मा के कंसंट्रेशन से। जो प्लाज्मा में आपका ड्रग है वो ड्रग का कंसंट्रेशन सेम होगा आपके बॉडी कंपार्टमेंट के कंसंट्रेशन से, दैट इज़ नोन एज एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और इस कंडीशन में आप कहेंगे कि जो आपके कंपार्टमेंट है वो सिंगल होगा, इसलिए आप बोलेंगे कि जो आपकी बॉडी है वो सिंगल कंपार्टमेंट है इन केस ऑफ AVD। अगर हम अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करें तो आप बोलेंगे कि टोटल एडमिनिस्ट्रेड अमाउंट ऑफ ड्रग अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन योर प्लाज्मा, जो प्लाज्मा में कंसंट्रेशन है उससे डिवाइड कर देंगे जितनी भी ड्रग आपने ओरल या किसी भी रूट से आपने एडमिनिस्टर की हुई है। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप बोलेंगे कि अगर आपकी ड्रग का मॉलिकुलर वेट ज़्यादा हो, जैसे कि हिपेरिन का होता है, या आप दूसरी कंडीशन बोलें कि आपकी ड्रग जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड हो जैसे कि वारफेरिन, इन दोनों ही कंडीशन में आपकी ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा। क्योंकि अगर वेट ज़्यादा होगा, इन जनरल आप कहेंगे कि वो पर्सन का मूवमेंट कम होता है, अगर कोई पर्सन है वो बाउंड है किसी के साथ जुड़ा हुआ है, उस कंडीशन में भी उसका मूवमेंट कम होता है। सेम एज इट इज़ आप बोलेंगे कि जब आपकी ड्रग हाई मॉलिकुलर वेट होगी जैसे कि हिपेरिन है, या वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड है जैसे कि वारफेरिन है, हाईली बाउंड है, उस दोनों ही कंडीशन में ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट बोलना है कि इफ़ AVD अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपकी किसी भी ड्रग का 14-16 लीटर है, 14-16 लीटर है, और उस पर्सन का वेट 70 kg है, देन आप बोलेंगे कि जो कंसंट्रेशन है 0.25 ml पर kg वेट के हिसाब से है, और जो ये 14-16 लीटर जो अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, इस कंडीशन में आप बोलेंगे कि जो आपकी ड्रग डिस्ट्रीब्यूट है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में डिस्ट्रीब्यूट है, ECF में। जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट है कि स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि आपकी इथेनॉल है या आप अल्कोहल की बात करते हैं इथेनॉल की,
तो इस इथेनॉल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो TBW में टोटल बॉडी वाटर में है, और आप जानते हैं कि टोटल बॉडी वाटर जो है 42 लीटर है। तो इस कंडीशन में आप बोलेंगे इथेनॉल का जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है या अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो 42 लीटर्स है। सेकेंड पॉइंट है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। जैसा कि हम जानते हैं कि मेनी ड्रग्स बाइंड टू प्लाज्मा प्रोटीन्स लाइक एल्बुमिन, या आप बोलेंगे कि अल्फा वन ग्लाइकोप्रोटीन के साथ आपकी ड्रग बाइंड है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की हम अगर बात करें प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की, तो आप जैसा कि जानते हैं कि जब सबसे पहले ड्रग इंटेक किया आपने, उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन हुआ, वो ड्रग फिर आपकी सिस्टमिक सर्कुलेशन में आई, सिस्टमिक सर्कुलेशन में आने के बाद वो ड्रग आपकी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपकी ड्रग एसिडिक इन नेचर होगी वो एल्बुमिन के साथ बाइंड करेगी, और बेसिक इन नेचर होगी तो अल्फा वन एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ बाइंड करेगी। आफ्टर जब ये एक कॉम्प्लेक्स बन गया, प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड हो गई ड्रग के साथ, तो उस बाउंड ड्रग को आप बोलते हैं जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ है, टेम्परेली स्टोर्ड ड्रग है, वो इनएक्टिव होती है, वो उसका फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं होता है। लेकिन जो फ्री फॉर्म ड्रग्स हैं वो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करती हैं, और जैसे ही फ्री फॉर्म ड्रग्स कम होती हैं, आपकी बाउंड ड्रग्स टूटती हैं, प्लाज्मा से जो प्लाज्मा में प्रोटीन है वो अलग हो जाती है, और ड्रग आपकी फ्री हो जाती है और आपकी बॉडी में रिस्पॉन्स शो करती है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले आप यही बोलेंगे कि जो ड्रग्स हाईली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन है उनका ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन आप बोलेंगे लो होता है, लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अगर आपकी ड्रग का जो प्लाज्मा प्रोटीन बाउंडिंग है वो हाई हो। दूसरी कंडीशन में बोला कि अगर आपके प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग हाई है तो मेटाबॉलिज्म जो है उस ड्रग का डिले हो जाएगा, क्योंकि वो ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड है, उसकी वजह से मेटाबॉलिज्म जो है वो डिले हो रहा है। इसी तरह आप बोलेंगे नेक्स्ट पॉइंट, जो बाउंड फॉर्म ड्रग्स हैं आपकी उनका फिल्ट्रेशन भी डिले होता है ग्लोमेरुलाई से। क्यों डिले हो रहा है? क्योंकि जब प्रोटीन के साथ वो बाउंड है तो ये जो साइज है मॉलिक्यूल्स का वो मैक्रो हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और उसकी वजह से फिल्ट्रेशन जो है वो डिले हो जाएगा। लास्ट पॉइंट है इसमें, हाईली प्रोटीन बाउंड ड्रग्स जितनी हैं उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लॉन्गर होता है। जितनी ज़्यादा ड्रग्स आपकी प्रोटीन के साथ बाउंड होगी उतना ज़्यादा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगा। जैसे कि एग्जांपल में आपको बताएं, सल्फाडायाजीन है, इसका लेस प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड है, और जिसकी वजह से इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 6 आवर है, जबकि आपकी सल्फाडॉक्सिन है हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड है और इस ड्रग का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो 1 वीक है। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट आपको प्रेजेंटेशन में मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट पार्ट, जो कि आपका है मेटाबॉलिज्म, फार्माकोकाइनेटिक का 3rd पार्ट मेटाबॉलिज्म। थैंक यू ऑल।